यार करो भाई एकदम दाढ़ी मूछो ना सफर कर यार छोटे मोटे रोल मेरे रो मिथुन चक्रवर्ती स्टाइल देखो या फिर डायरेक्ट स्टार कहो ना प्यार है ऋतिक रोशन अब क्या करने का तुम ही सोचो तो 25-30 लाख रुपए लगाओ और खुद का पिक्चर निकालो कितनी मौज आता है बाकी का पैसा भाई से ले लेगा ना भाई कौन अरे अपने जामू भाई आधी से ज्यादा हिंदी फिल्मों में उनके ही पैसे लगते हैं अपने खास आदमी है 30 लाख तुम्हारा 70 लाख भाई का फिल्म बन जाएगी 80 लाख नेट प्रॉफिट 10 लाख मेरे कितने पैसे 30 लाख जामू के 70 पिक्चर कितने में बनेगी 80 तो प्रॉफिट 20 अभी भी फायदा असलम से गेम नहीं खेलने का क्या अभी क्या करना पड़ेगा ऑफिस खोलना पड़ेगा 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 अरे तुम लोग बोल तो रहे हो मगर थोबड़ा चलेगा क्या 100 डेज चलेगा भाई ऐसा चेहरा मार्केट में नहीं है अरे जो अलग दिखता है वही आजकल बिकता है मैं समझा नहीं यार तू क्या बोल रहा है अब मैं क्या बोल रहा हूँ शाहरुख होने के बाद भी पब्लिक ऋतिक को क्यों पसंद करती है क्यों क्योंकि आदमी पुरानी चीजों से उगता जाता है और नई चीजों से उठता जाता है मतलब ऋतिक से उसे वो सारी चीजें मिल जाती है जो शाहरुख से नहीं मिलती चेंज रेंज आइटम फ्लेक्सिबिलिटी हाँ यार पब्लिक शाहरुख की फिल्म से ज्यादा ऋतिक की फिल्म क्यों देखते हैं राइट मिठास दोनों में है भाई मिठास दोनों में है शाहरुख शक्कर है तो ऋतिक गुड़ आजकल पब्लिक को गुड़ चाहिए और तुम गुड़ हो भाई भाई तुम गुड़ हो अरे गन्ने वाला गुड़ भाई गन्ने वाला गुड़ रे ठीक है भाई मैं समझ गया यानी कि पब्लिक पुराने चेहरों से पक गई थी उनको चाहिए नया चेहरा राइट भाई पब्लिक ने हीरो को भाई बनते बहुत देखा अब पब्लिक भाई को हीरो बनते देखी वाह भाई वाह कभी नारियल फूट रहा है क्या अरे स्टार्ट कभी कर रहा बोलना यार स्टार्ट असलम भाई क्या स्टार्ट हो रहा है भाई भाई है ना स्टार बन रहे क्या बात कर रहे हैं मुबारक हो भाई लेकिन ऐसे ही सूखे सूखे अरे तो ए काले अरे गोरा हो गया तू तो फिर जोर से बोलना छट्टी के पास एक बक्सा बियर लेके आ चल तो क्या हुआ एक बार पर्दे पे आएगा ना सबके गुर्दे ला डालेगा नहीं नहीं ये सिर्फ ओवरसीज राइट्स का म्यूजिक राइट्स का वीजा अलग होगा हाँ एडवांस भेज दो ठीक है समझाने का टाइम नहीं है पहले कास्टिंग कर लेते म्यूजिक किसका लेते दिलीप कैसा रहेगा दिलीप ए आर रहमान पहले उसका नाम दिलीप था मैंने चेंज करवाया वाह भाई वाह वाह वकार भाई आपके जलवे हां दिलीप भाई हां कपूर बोल रहा हूं कैसे हो हां भाभी जी कैसी है मजे में ना सुनो ना आजकल यार तेरे गाने सब एक जैसे लग रहे ओ हमारा लो यार इंडस्ट्री बहुत जल्दी भूल जाती छोड़ रहा है ये भी हां अभी सुनो अगले मैंने अपने को चार गाने ये आमिर भाई को लो हां बड़ा टाइम है भाई डांस कर ले तू ये आमिर है हां दिलीप सुन एक छैया छैया टाइप भी डाल देना डायरेक्टर फोर इन वन
चार हेड डायरेक्टरों का मसाला एक ही फिल्म में। ओ भाई जय असलम भाई, चार डायरेक्टर आपकी पहली फिल्म में, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हर किसी का मसाला लग रहा है। फिल्म का नाम? बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट है। फिल्म का नाम तो है हम दिल वालों को बहुत कुछ होता है। कैसा लगा? चलो ये सब कुछ तो हो गया, अब हीरोइन कौन सी लेंगे? हम दिल वालों को हीरोइन ऐश्वर्या राय कैसी रही? असलम भाई ऐश्वर्या राय, व्हाट अ कॉम्बिनेशन है ना। ये आमिर भाई भी आ गया। आमिर भाई ऐश्वर्या का देखा है क्या? नहीं, ऐश्वर्या का घर है, मैंने डील करवाया था, एकदम घर जैसा रिलेशन है। सब इसने करवाया, किसी को नहीं छोड़ा है भाई। किधर? इधर। पागल है क्या? अरे आप बहुत बड़े हीरो हैं, इतनी बड़ी फिल्म का हीरो हीरोइन से मिलता है, वैल्यू गिरता है। मैं एडवांस लेके अंदर जाता है, हीरोइन को बुक कर दो, फिर उसका मेकअप पहनाएगा, तुमको बुलाएगा। हाँ बैग दो। अरे रोज का यार, बीत लागे ना मार के, वो प्रोड्यूसर है। चलो क्या होगा? कौन? ऐश्वर्या जी हैं? वो तो लंदन गई हैं। आप कौन? अरे भाई मैं आज कपूर के साथ आया हूँ। आज कपूर? वो कौन? हाँ, वो जो पैसे लेके अंदर आए हैं उनको साइन करने। साइन करने किसके साथ? मेरे साथ। आपके साथ? जी। वकार भाई चुना देंगे हमारे को, मेरे को चुना देंगे वकार भाई। अरे असलम भाई आप यहाँ? भाई अरे यार वो आज का पुणे मुझे धोखा दे दिया ना, उसको बोतल तोड़ के घुसेड़ रहा था। वकार भाई क्या कर दिया यार, पुलिस मेरा पीछा कर रही है इसलिए मेरे को धोखा दे दिया। तू क्या कर रहा है? तू ये क्या कर रहा है? असलम भाई को जाकर दिखा। ये भाई उस पे डायरेक्ट में मारने गया था, उसके पीछे पुलिस पड़ी है भाई। क्यों डर रहा है? अरे ऐश्वर्या को मैंने पैसा भी दिया पिक्चर बनाने के लिए साहब। भाई साहब देखिए इसको सब मालूम है, इससे पूछो ना। ऐश्वर्या के साथ मेरे चार गानों की प्लानिंग थी स्विट्जरलैंड में साहब, जैसे छह छह ट्रेन में आपने देखा ना, छह छह करते हुए हम लोगों ने भक्त करने के लिए साहब। ये रमन से गानों की बात होगी पूछ लीजिए। ये बड़ा डोले सूरज आदित्य चोहर बंसाली इन लोगों लिए हम लोग साहब, ताकि ताकि पिक्चर अच्छी बन सके साहब। अरे वकार भाई चुना देंगे भाई, साहब बेटा है आपकी दुआ चाहिए साहब, पैसा से कोई गुंडा नहीं होता है साहब। मेरे मेरे अब आप इससे पूछे साहब, मेरे खून में एक्टिंग है, मैंने एक्टिंग करके बताया साहब, पूछे साहब। ऐसा कुछ नहीं है, इंसान है, इंसान के मध्य। अरे पागल हो गया, पागल हो गया, ले जा रहे हैं, पागल हो गया, आज कपूर ने मुझे बर्बाद कर दिया। थैंक यू भाई, क्या बताऊं वकार भाई, क्यों ना ऐसा देगा, ऐसा देगा, खुशी मिला मला गए। आज कपूर यार बंदा कमाल का था, जिस तरह उसने उसको अपनी बातों पे मतलब यकीन दिलवाया ना, उसकी बात करने का स्टाइल में पिया है लेकिन पीके नहीं बोला। ऐसा चुना देगा मस के लेकर भाई। आज कपूर जी ने असलम भाई को ऐसा लपेटा तो असलम भाई भी चक्कर खा गया। जब ऐश्वर्या के घर पर गया तो उसका पीए निकला, भाई ऐश्वर्या मैम कहाँ है? बोला वो तो गई हुई है बाहर। बकार भाई तो ये बोला साइन मुझसे करें इधर आ। दे असलम भाई सुनील चट्टी को किसने बनाया? मैंने जेकी दादा मित्र मैंने
मिथुन दादा इतना बड़ा बड़ा छोड़ रहे थे किसने लेके दिया भाई इतना झोल राज कपूर किया नहीं पहले मैं रियल लग रहा था वाकई इसका कुछ लग के अभी मजा आएगा ये एक्टिंग हीरो बनेगा लेकिन यार ये थोड़ा बहुत जिस तरह ये छोड़ रहा था ना बड़ी बड़ी बातें चार डायरेक्टर चारों के मसाले एक साथ तड़के में शक्कर के साथ मीठा गुड़ो तुम गुड़ो भाई जी को इतना हिला डाला इसको भाई को भाई उसने यार इसको चढ़ने की जाड़ पे इस भाई ने चढ़ाया ना जो शुरुआत में इसको 5,000 लेने आया था ये इस भाई ने इसको चढ़ा दिया भाई एक्टिंग तुम तो बड़ा एक्टर है भाई जोनी लेवल की एक्टिंग मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी देखी है मुझे मजा आ गया तो ये एक विलन था विलन को विलन को ही चूरन दे गया भाई एक बात है वो आज कपूर जी भाई वो बकार भाई ऐसा चुना देंगे भाई को दोस्तों ये इंडिया वाले बड़े कमाल के हर फील्ड में हर मतलब जो कैटेगरी होती है ना एंटरटेनमेंट के मामले में नंबर वन है इंडिया वाले चाहे कुछ भी हो चाहे उनके ड्रामा सीरियल हो या ऐसी मूवीज हो भाई मस्त बनाते हैं और ये तो मेरे ख्याल में बहुत पुराना सीन है जॉनी लीवर जवान लग रहे हैं इस सीन में तो मज़ा आ गया यार बहुत इंजॉय किया हमने ऐसा सीन और भी अगर हो तो ज़रूर बताइएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफ़िज़